गढ़ विधानसभा के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा फार्म पर लगे हुए हैं और आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे विजेंद्र सिंह के यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। जनपद हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत आने वाली रिफ्यूजी कॉलोनी में समाज सेवी विजेंद्र भारत उर्फ बंटी के नेतृत्व में 50 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारी बारिश में भी खूब देखने को मिला कार्यकर्ताओं में उत्साह। प्रदेश सचिव ने विजेंद्र भारत उर्फ बंटी को सौंपी नगर अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर की कमान। जी हाँ, शनिवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के समाज सेवी पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे। नगर के जाने माने समाज सेवी पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष विजेंद्र भारत उर्फ बंटी के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी, जिला प्रभारी चेतन त्यागी, जिला उपाध्यक्ष अनवर मलिक, जिला कार्यकारिणी सदस्य शेर सिंह आदि नेताओं ने शिरकत की और बैठक में मौजूद लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से संवाददाता गुलजार अली की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और गढ़ विधानसभा के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा फार्म पर लगे हुए हैं और आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे विजेंद्र सिंह के यहाँ पे ये मीटिंग हुई है और सभी कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए बनता है कि इस बार निकाय चुनाव में गढ़ में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और सभी लोग इस बात से इतफाक रखते हैं कि किसी भी तरीके से हमें यहाँ से कम 10 से 15 पार्षद और चेयरमैन जीतने, ये हमारा लक्ष्य है। नमस्कार सभी को, मैं चेतन त्यागी हापुड़ पार्टी प्रदेश और हापुड़ जिले का प्रभारी हूँ। आज गढ़ विधानसभा में संगठन के साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की बैठक की है, जिसमें हमारे 82 विधानसभा के पूर्व डॉक्टर सोलंकी जी भी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ये बैठक आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव से संबंधित है और आज यहाँ कई पूर्व पार्षदों ने और समाज के कई मौजूद लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मुख्य रूप से विजेंद्र सिंह भारत जी जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आने वाले समय में जो हमारा चुनाव है उस चुनाव में चेयरमैनी पद के लिए हमारे संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए जो जनहित के कार्य हैं, उन कार्यों को हम आज यहाँ बैठक के माध्यम से जन जन तक लेकर के गए हैं और आशा है कि आने वाला जो समय है, आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें निश्चित ही आम आदमी पार्टी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएगी।